Good morning friends, welcome back to my new vlog. I hope you all are doing good, I'm doing quite good. जैसे कि आप देख सकते हो मैं जिम के लिए तैयार हूँ, बोले नहीं आधा रेडी हूँ. एक्चुअली प्लम्बर्स आए हैं, तीनों वॉशरूम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था. एक का लाइक वॉश बेसिन से ना पानी ड्रिप हो रहा था और दोनों का फ्लश करने के बाद फ्लश वाटर ड्रेन आउट कॉन्स्टेंटली हो रहा था. तो दे आर रिपेयरिंग, उनका रिपेयर हो जाएगा. रायन भी स्कूल से आ जाएगा, आज उसका साइंस पेपर है. बस उसको लंच पंच देके मैं निकल जाऊंगी. तो मिलते हैं आपसे सीधा जिम में. आज डोसा के साथ एक स्पेशल चटनी बनाऊंगी. ये एक आंध्रा स्पेशल चटनी है. ये जो छिलका दिख रहा है ना आपको, ये है रिच गोट की स्किन का. और रिच गोट का स्किन का कौन सा पोर्शन यूज करना है मैं क्लिप इंसर्ट कर दूंगी. और उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं. रिच गोट का स्किन का सॉफ्ट पार्ट और साथ में चाहिए. अब मैंने तो प्लेन अनियंस लिया है, आप चाहो ना तो इसमें ऑथेंटिकली इसमें शैलट्स यूज होता है. और तीन चार क्लोव्स गार्लिक के, यहाँ के गार्लिक्स इंडिया जैसे स्ट्रांग नहीं होते, बड़े बड़े होते, माइल्ड होते. और रेड चिली सूखी वाली और साबुत कोरिया धनिया. मैं ये हटा देती हूँ फिर आप लोगों को दिखेगा. साबुत धनिया, वहाँ पे मैंने टमरिंड को पानी में भिगो के रखा है. चना दाल, उड़द दाल और उस स्टील के बोल में भी ना तीन चार कश्मीरी रेड चिली है जिसका मैंने सीड निकाल के पानी में सोक करके रखा है. एक मीडियम साइज का टमेटो, टर्मरिक और नमक. टमेटो आप थोड़ा ज्यादा भी यूज कर सकते हो. तो चलिए बनाते हैं एक टेस्टी सी चटनी वेस्ट आइटम से. तो आई कैन अश्योर यू, अगर ये वाले आप चटनी खाओगे ना तो आप कोकोनट चटनी कुछ दिनों तक तो नहीं खाने वाले हो. ये जो रिच गोट का स्किन है ना, पहले जो हार्ड पोर्शन होता है उसको पील करके फेंक देना है. मैं एक्चुअली ये रिकॉर्ड करना भूल गई थी, राजीव केम सो आई रिकॉर्ड, उसने कहा कि फुटेज लिया कि नहीं. ऐसे निकाल देना जो हार्ड ऊपर में होता है ना, देखिए इसका हार्ड हार्ड वो पहले ऐसे करके निकाल दो. और सॉफ्ट स्किन वो चाहिए, जैसे कि एग्जांपल मेरे पास अब यही बचा हुआ है, ये हार्ड निकाल दिया ना, इसके बाद का ये जो सॉफ्ट है वी नीड इट हियर. दीज आर फॉर डिस्कार्डिंग, दीज आर फॉर यूज. यहाँ पे देखिए जो हार्ड होता है वो चला गया है, द होल सॉफ्ट वी कैन यूज नाउ. चटनी तो मैंने मंडे बनाई थी, बट रिच गोट का स्किन काट के अच्छे से धो के ड्राई करके मैंने रखा था ऑन संडे इवनिंग, क्वाइट लेट इवनिंग. और अच्छे से फैला के ड्राई करके मैंने बाहर ही रख दिया था ताकि वो ख़राब ना हो जाए. थोड़ा सा तेल दिया है, वो गर्म होते ही हम ये दोनों टाइप का दाल डाल देंगे. ये जैसे उनका सब फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम गार्लिक अनियन और ड्राई रेड चिली डाल देंगे. अच्छे से रोस्ट हो गया है, एकदम डार्क सा कलर नहीं बनाना है, जला नहीं देना है. मैं इस चटनी में कोकोनट
कोकोनट यूज नहीं करती हूँ, पर आप चाहो तो कर सकते हो। मैं नहीं करती हूँ क्योंकि ये रेसिपी मुझे मेरी हाउस हेल्प स्वर्णा ने सिखाई थी एंड आई फेल्ट दैट्स परफेक्ट। उसमें कुछ इम्प्रोवाइज नहीं करने की जरूरत ही नहीं है। गार्लिक, प्याज और ड्राई रेड चिली डाल दूंगी। अभी ये भी डाल दूंगी वो साबुत कोरिएंडर। प्याज और गार्लिक को थोड़ा और फ्राई कर लेंगे, फिर आगे का इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। टोमेटो और सॉल्ट, अभी एक्चुअली सब कुछ ही डाल देंगे धीरे धीरे। यहाँ का मेरा जो टैमरिंड है ना, इसमें सीड नहीं होते, इसीलिए मैंने मिला दिया। और ये स्किन बेरेज गोट की, बस ये रिज गोट का स्किन सॉफ्ट होने था, इसको कुक करेंगे। पर चलाना है हाँ, दाल नहीं तो बहुत ज्यादा जल जाएगी। दी में वो भूल गई थी। ये अच्छे से फ्राई भी हो गया है, अभी ना इसको कूल डाउन होने देंगे, फिर एक ग्राइंड करेंगे, एक चटनी जैसा टेक्सचर में लाएंगे, फिर ऊपर से छौंक लगाएंगे। मिक्सचर अभी ठंडा हो गया था, मैंने दो हिस्सों में इसको ग्राइंड किया है, दोनों टाइम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। इट वॉज स्मूथ टेक्सचर। मैंने थोड़ा पानी मिलाया था इसको पेस्ट बनाने के लिए। राई और करी पत्ता की छौंक जो ऊपर से हम डालेंगे। करी लीव्स, राई और करी लीव्स की छौंक। दिस इज अगेन वन ऑफ माई वीकली रिचुअल, जहां मैं पूरे हफ्ते की अनियंस फूड प्रोसेसर में स्लाइस करके फ्रीज कर लेती हूँ। इससे मुझे बहुत हेल्प मिलता है ड्यूरिंग द होल वीक। जब फूड प्रोसेसर में करती हूँ तो एक मिनट में ढेर सारा स्लाइस्ड अनियन मिल जाता है, हाथ से करने जाओ इट टेक्स सो मच टाइम। अगेन गोज विद दिस करेला भी, तीन फटाफट, इसमें तो 30 सेकेंड्स भी नहीं लगता है एंड ऑल कम्स आउट यूनिफॉर्मली स्लाइस्ड, जिससे करेक्ट टूल्स होने से किचन में काम कितना फटाफट हो जाता है। जैसे कि फूड प्रोसेसर ने तो स्लाइसिंग कर दिया है, अब आगे जाके एयर फ्रायर भी अपना काम कर देगा, तो लाइफ ईजी होता है अगर राइट काइंड ऑफ किचन टूल्स हो हमारे पास। राजीव एक्चुअली डिनर में रोज ही करेला खाता है, इसीलिए हफ्ते में दो बार मैं ऐसे ही फूड प्रोसेसर में स्लाइस करके एयर फ्राई करके करेला रख देती हूँ, सो दैट पूरे हफ्ते आराम से उसको डेली करेला भी मिल जाए और मुझे रोज ना बनाना पड़े। बिकॉज जब खुद को सारा काम करना पड़ता है, वी कैनॉट कीप डूइंग करेला एंड अदर कुकिंग सो मच। इससे राजीव भी खुश कि उसको डेली करेला मिल रहा है और मैं भी खुश कि मुझे डेली करेला नहीं बनाना पड़ रहा है। डोसा के लिए आलू भी बन गई है, बस खाने के टाइम सबके लिए गरम गरम क्रिस्पी डोसा बना दूंगी। शाम की चाय, अभी बैठ के थोड़ा चाय पी लूंगी, उसके बाद रायन के लिए डोसा बना दूंगी, क्योंकि सबसे पहले डिनर घर पे रायन ही करता है। चटनी भी तो बन गई है, करेला एयर फ्रायर में फ्राई हो रहा है, आलू की सब्जी डोसे के साथ वो बन चुकी है, प्याज भी मैंने काट के रखी है पूरे हफ्ते के लिए। तो आज मैंने काफी सारा काम किया है कि नहीं दोस्तों? तो चलिए थोड़ा चाय पी लेती हूँ, फिर मैं मिलूंगी आपसे, जरूर मिलूंगी। बाय।
पहला डोसा घर में हमेशा रायन के लिए बनता है क्योंकि घर में सबसे पहले डिनर वही करता है। जब मैं वॉइस ओवर देने बैठी आई सॉ दैट आई मेंशन कि बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन वेज खाने का ऑप्शन बहुत कम है, जो कहा मैंने सच कहा है, ये हमारा व्यू पॉइंट है। बट यस्टरडे आफ्टर राजीव केम बैक फ्रॉम ऑफिस, हम लोग बाहर गए थे एंड वी मेट वन ऑफ आवर नेबर्स। आई डिडंट नो दैट ही इज जैन, बट माई हस्बैंड न्यू, सो दे स्टार्टेड कन्वर्सिंग। बातों बातों में पता चला वन समथिंग वेरी सरप्राइजिंग, जो हम दोनों को ही कभी भी पता नहीं था कि जैन दे आर हैविंग सम फास्टिंग और पिछले 8 दिनों से ही इज़ जस्ट ऑन वाटर, दैट टू ओनली ड्यूरिंग द डे, रात को पानी भी नहीं पीते हैं। एंड इन दिस 8 डेज ही हैज़ लॉस्ट 9 kgs। This shows that they are mentally very strong. कि पिछले 8 दिनों में they are just surviving on water and doing their regular work like office, घर का काम, anything, whatever, life is going on normal just on water. ये सोच के लग रहा था कि if we determine to do something, we can achieve it. So I learned determination is the key to achieve to your goal, and if we are determined, we will succeed. Ryan, can you come with your plate? I'll give you the other dosa. Chutney is there. How's the chutney? चलिए आप लोग से बातें करते करते रायन का डिनर भी हो गया है और आगे देखेंगे। द डोरबेल रिंग्स, राजीव घर आ गया है ऑफिस से। And do share my videos. Till then, bye-bye, take care.